हाँ ये छोटू, कर दी तूने मेरी सब्जी पैक? हाँ साहब कर दी। ये लो साहब। अरे साहब ऐसे क्यों जा रहे हो, मेरे टमाटर का पेस्ट तो दे जाओ। अबे पैसे? किस बात के पैसे? साहब मेरी सब्जी के पैसे। कान खोल के सुन ले, इस एरिया में किसी की हिम्मत नहीं है मुझसे पैसे मांगने की। फिर तेरी हिम्मत कैसे होगी मुझसे पैसे मांगने की? ये मत सोच कि तू मुझसे छोटा है और तुझे मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुझे चोरी के इल्जाम में जेल में डाल दूंगा। आया बड़ा पैसे मांगने वाला। साहब मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, पापा हैं, उनकी भी तबीयत खराब रहती है, उनके लिए मुझे दवाई लेकर जानी है। अबे मैंने क्या किसी की दवाई का ठेका ले रखा है? देख सुन, अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो तुझे और तेरे घर वालों को जेल में सड़ा दूंगा। साहब मेरी सुबह से बिल्कुल भी सब्जी नहीं बिकी। साहब आप मेरे पहले ग्राहक हो, आज पैसे दे दो, फिर मैं कभी भी नहीं मांगूंगा। अच्छा अभी देता हूँ तुझे सारे पैसे। साहब मेरा नुकसान मत करो ना, मैं आज के बाद आपसे पैसे नहीं मांगूंगा। साहब ऐसा मत करो ना, आप जाइए यहाँ से। सुन बे गरीब, आगे से अपनी हद में रहिए, आज तो मैं तुझे छोड़ रहा हूँ वरना तेरा ठेला वेला सब पलट दूंगा। छोटू तू क्यों रो रहा है, और ये तेरी सारी सब्जी किसने खराब की? दीदी एक पुलिस वाला आया था, उसने मेरी सारी सब्जी बेकार कर दी और मुझे मेरी सब्जी के पैसे भी नहीं दिए। छोटू कुछ पुलिस वाले होते ही गलत है, इन जैसे पुलिस वालों की वजह से ना ईमानदार पुलिस वाले भी बदनाम होते हैं। दीदी वो पुलिस वाला हम सब गरीबों को ऐसी परेशान करता है और सभी ठेले वालों से हफ्ता लेता है। छोटू तू टेंशन मत ले, जिसने तेरे साथ गलत किया कल उसके साथ भी गलत होगा, बस तू ऊपर वाले पे भरोसा रख, वो सब कुछ ठीक कर देगा। हाँ दीदी तुम ठीक कह रही हो, वो हम गरीबों के साथ बहुत गलत करता है, भगवान उसे जरूर सजा देगा। चल ठीक है छोटू, मुझे 1 किलो ना टमाटर दे दे। ठीक है दीदी अभी देता हूँ। दीदी छोटू पैसे कितने हुए तेरे? दीदी 50 रुपए हो गए। दीदी मेरे पास तो खुल्ले भी नहीं है और मेरी सुबह से बुनी भी नहीं हुई। अरे छोटू मेरे पास तो यही लास्ट पैसे हैं। अच्छा तू एक काम कर, इन सारे पैसों को तू ही रख ले। ठीक है दीदी, आप जब भी घर को आओगी मैं आपके बाकी पैसे लौटा दूंगा। ठीक है छोटू। बस मम्मी आने वाला हूँ, थोड़ा वेट और करो। ओ सीट। अबे ओ गरीब, तुझसे देख के नहीं चला जा रहा क्या? तुझे मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली है। चल तो ऐसे रहा है जैसे सरकार ने ये रोड तेरे नाम कर रखी है। अरे भाई इसमें मेरी गलती क्या है, आप ही तो गाड़ी बहुत तेज चला रहे थे। अबे 2 कौड़ी के भिखमंगे, तू मेरी गलती बता रहा है? रुक अभी बताता हूँ मैं तुझे। अरे भाई चांटा क्यों मार रहे हो? हम गरीब बेशक हैं लेकिन इज्जत हमारी भी है। इज्जत की बात कर रहा है? तुम गरीबों की ना कभी इज्जत थी
और ना कभी होगी। तुम गरीब लोग हमेशा हम अमीर लोगों के पैर के नीचे के कीड़े थे और कीड़े ही रहोगे। साहब आप ही हम गरीबों को क्या बोल रहे हो? रुक अभी बताता हूँ तुझे। अबे ओए कैसे आपस में लड़ाई कर रहे हो? प्रशासन नाम की कोई चीज है कि नहीं? हाँ बे तू बता क्या हुआ? साहब एक तो इन्होंने मेरी टक्कर मार दी और ऊपर से मुझे पीट रहे। अरे सर मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, ये खुद से गाड़ी के आगे आ गया। ठंड रख ठंड, मुझे अच्छे से पता है किसकी गलती है किसकी नहीं है। मैं वहां से खड़ा हुआ सब देख रहा था। चलो अब थाने चलो। जब तुम्हारे डंडे पड़ेंगे ना तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। चलो अब चलो यहाँ से। अरे सर मेरी बात तो सुनो, थोड़ा साइड में चलकर बात करते हैं। अच्छा। अरे सर क्या करोगे मुझे थाने ले जाकर, जो केस है यहीं रफा दफा कर। अरे सर केस बढ़ाने से क्या फायदा, जो भी लेना देना है यहीं पर कर लो। अच्छा चल कोई बात नहीं, 3000 रुपये हैं तेरे पास? ये लो सर। ये हुई ना बात। राम राम सर, मिलते रहना। अरे हाँ हाँ चल मिलते रहिए। हाँ बे तुझे दिख नहीं रहा था वो ठीक से गाड़ी चला रहा था, तू ही अंधे की तरह चल रहा था। चल अब निकल यहाँ से। हाँ बे ओ गरीब, तूने यहाँ फिर से ठेला लगा लिया? तुझसे कल मना किया था ना, फिर भी तूने यहाँ ठेला लगा लिया? चल हटा यहाँ से। साहब मैं कहाँ जाऊँगा, और जगह तो मेरे टमाटर भी नहीं बिकने के। अबे तू बेच कहीं भी, वो सारे लोग मुझे हफ्ता देते हैं। चल तू 500 रुपये निकाल। साहब मेरी सुबह से 50 रुपये की सब्जी बिकी है। साहब मैं आपको 500 रुपये कहाँ से दूँ? चला अपना ठेला हटा यहाँ से। साहब ऐसा मत करो ना। तुझे एक बार में समझ में नहीं आता? साहब बेचने दो ना मुझे सब्जी। अच्छा तू ऐसे नहीं मानेगा? ये कैसी दुविधा है, कैसी ये विपदा है, ये धर्म है बलिदान है। अब आया मजा तुझे? जिस्म मुझे देखे मिट्टी का। साहब आपने ये क्या कर दिया, क्यों इस गरीब का नुकसान कर दिया आपने? वो अपना काम कर रहा था तो उसे करने देते। अबे तो तिया क्या दिक्कत आ रही है, तू इन गरीबों का मसीहा है क्या? साहब मैं किसी का मसीहा नहीं हूँ, मैं तो आपसे ये कह रहा था आपको जो ये कानून ने वर्दी पहना रखी है इन गरीबों की रक्षा करने के लिए, ना कि ना परेशान करने के लिए। अबे तू बताएगा मुझे, तू समझाएगा, तुझे दिख नहीं रहा मैं कौन हूँ? सर मुझे अच्छे से दिख रहा है, पर इसका यह मतलब नहीं है तुम किसी गरीब को परेशान करोगे, उससे रिश्वत लोगे, ये तो कहीं का कानून नहीं है। अबे ओ सुन, इस एरिया में जितने भी ठेला लगाते हैं मैं उन सबसे हफ्ता लेता हूँ, अगर तुझे इतनी इस पर दया आ रही है तो तू दे दे इसके पैसे। चलो कोई बात नहीं, ये बताओ कितने पैसे हुए इसके? 500 रुपये हैं पूरे। 500 रुपये देने हैं? ये लो मैं देता हूँ उसके पैसे। चल ठीक है अब निकल यहाँ से। अरे छोटू तू ज्यादा परेशान मत हो, तू अपना काम कर। अगर तुझे कोई भी पुलिस वाला परेशान करे तो मुझे बताना। ये ले मेरा नंबर, ठीक है?
अरे यार 2 घंटे हो गए, अभी तक कोई मुर्गा नहीं फंसा। पता नहीं आज कमाई होगी कि नहीं होगी। हाँ बे, कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी में? साहब मुझे जाने दो, मुझे जल्दी हो रही है। जल्दी हो रही है तो तेरा हेलमेट कहाँ है? साहब मुझे जाने दो। अगर ज़्यादा जल्दी हो रही है तो 1000 का फाइन भर और निकल यहाँ से। साहब मेरे पास तो 1000 रुपये नहीं है, 200 रुपये है। यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? सर आप यहाँ? हाँ, मैं तुम्हारे एरिया का IS ऑफिसर हूँ। सॉरी सर, मुझे कल के लिए माफ़ कर दो, कल मैं आपको पहचान नहीं पाया था। कोई बात नहीं, आप ये बताओ आपके पास यहाँ परमिशन है चेक इन करने की? वो ना सर। सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे। तुम तो देश के लिए नेक काम करते हो, गरीबों को मारते पीटते हो और उनसे रिश्वत लेते हो। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आज के बाद किसी गरीब के साथ ऐसा नहीं करूँगा। चुप रहो तुम, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा घिनौना काम करते हो बे? तुम जैसे पुलिस वालों की वजह से हर ईमानदार पुलिस वाले को गाली मिलती है। लोग बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते पुलिस वालों की, और तुम जैसे पुलिस वालों ने पूरा डिपार्टमेंट गंदा कर रखा है। सर मुझे माफ़ कर दो। बहुत सारे पुलिस वालों ने देश की जनता के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी, लेकिन लोग उनके बलिदान को भी याद नहीं रखते, क्योंकि विश्वास उठ चुका है तुम जैसे लोगों की वजह से पुलिस वालों पर से। अगर मैं चाहता तो मैं तुम्हें उस वक्त ही सस्पेंड करा सकता था जिस वक्त तुमने उस बच्चे की ठेली पलटी थी और मेरे साथ मिसबिहेव किया था, लेकिन मैं तुम्हें आज इस पद से सस्पेंड करा दूंगा। क्या सर सस्पेंड? सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दो, आप मुझे इतनी बड़ी सज़ा कैसे दे सकते हो? सर मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद मैं इतनी बड़ी गलती नहीं करूँगा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, आप अपने घर जाइए और आराम कीजिए, आपका लेटर आपके घर पहुँच जाएगा। सर मुझे एक मौका तो दीजिए अपनी गलती सुधारने का, एक गलती तो भगवान भी माफ़ कर देता है, आप तो फिर भी इंसान हो। मुझे कुछ नहीं सुनना, आप जाओ यहाँ से। चलो तुम भी जाओ। अरे छोटू, 1 किलो टमाटर देना। साहब जी आप, अभी देता हूँ टमाटर। ये लो साहब। कितने रुपए हो तेरे? साहब आपसे पैसे कौन लेगा? अरे यार बता देना पैसे, आज तक मैंने जितनी भी बेईमानी करी है उन सब का फल मुझे मिल गया है। आज से मैंने कसम खाई है कि मैं किसी गरीब को नहीं सताऊंगा। तू बता तेरे कितने पैसे हुए? साहब 50 रुपए हो गए। 50 रुपए? अरे यार मेरे पास तो 20 रुपए ही हैं, तू एक काम कर इनमें से आधे टमाटर निकाल ले। नहीं साहब कोई बात नहीं, मुझे टमाटरों के पैसे कल दे देना। मुझे माफ कर दे छोटू, बेशक तू मुझसे छोटा है पर तेरी सोच मुझसे बड़ी है। मैं तेरे 20 रुपये कल दे दूंगा। छोटू हो सका तो मुझे माफ़ कर दिए, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया।
You already know. We